ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 सती द्वारा शरीर त्याग, श्लोक क्रमांक 4। सब चार चार है। ताम अन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीं एकां त्रिनेत्र अनुचराः सहस्रशः सपार्षदयक्षाः मणिमत् मद आदयः पुरः वृष इन्द्राः तरसा गतव्यथाः तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सती एकां त्रिनेत्रानुचरः सहस्रशः सपार्षदयक्षामणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसागतव्यथाः। ताम उसको अन्वगच्छन् पीछा करते द्रुतविक्रमां तेजी से छोड़ते सतीम सती को एकाम अकेले त्रिनेत्र शिव तीन नेत्रों वाले शिव के अनुचराः अनुयायी सहस्रशः हजारों सपार्षदयक्षाः उनके पार्षदों तथा यक्षों के सहित मणिमत मद आदयः मणिमान मद आदि पुरः वृष इन्द्राः नंदी बैल को आगे करके तरसा तेजी से गतव्यथाः निर्भीक। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिवजी के हजारों अनुत्तर जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। तात्पर्य सती बड़ी तेजी से जा रही थी कि कहीं उनके पति रोक ना ले, किंतु तुरंत ही उनके साथ शिवजी के हजारों अनुत्तर लग गए जिनमें यक्ष मणिमान तथा मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गतव्यथा का अर्थ है बिना किसी भय के। सती को इसकी परवाह न थी कि वह अकेले जा रही है, अतः वह निडर थी। अनुचरा शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिवजी के अनुत्तर शिवजी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत रहते थे। वह सभी शिवजी की इच्छा को जान गए कि वह सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। अनुचरा का अर्थ है वह जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ ले। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी के मना करने के बाद भी सती दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कर रहे थे उसमें सम्मिलित होने के लिए चली जाती है। तो यहाँ उस दृश्य का वर्णन है कि किस प्रकार से सती तेजी से जा रही है। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि वो तेजी से क्यों जा रही है, क्योंकि कहीं शिवजी रोक ना ले है ना। अभी तो शिवजी ने बस समझाया और सती पर छोड़ दिया कि अभी तुम समझ कर, ये स्थिति है, इस स्थिति को समझ के अब तुम निर्णय लो। तो हम देखते हैं कि सती निर्णय नहीं ले पा रही है, वो इधर उधर हो रही है ना। मन बहुत अस्थिर हो रहा है कि क्या करना है अभी, क्योंकि जो पिता का परिवार है उससे आकर्षण भी है, तो उधर जाने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन साथ ही पति ने ये भी समझा दिया है, और पति सामान्य पति नहीं है, हाँ शिवजी जो कि इस भौतिक जगत में सबसे महान पुरुष हैं, तो उनकी मतलब उन्होंने कुछ समझाया है तो बहुत महत्वपूर्ण है और वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए सती ये भी समझ रही थी कि शिवजी ने ये चेतावनी दे दी है कि वहाँ जाएंगे तो इवन मृत्यु भी हो सकती है ना, देह त्याग भी करना पड़ सकता है सती को, ये पहले ही शिवजी ने चेतावनी दे दी है। लेकिन फिर भी सती निर्णय नहीं ले पा रही, तो कारण क्या है? आसक्ति है ना, राग, जहाँ पर राग है, आसक्ति है, बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षण है, खासकर खुद के जो शरीर से संबंधित चीज़ें हैं उनसे। तो यहाँ सती केस में पिता और जो परिवार है, तो उनकी इच्छा थी कि पिता को देखना और वहाँ भाई बहन भी आए होंगे उनसे मिलना, उन सबसे बहुत दिनों बाद मिलेंगे, तो ये इच्छा बहुत ही तीव्र है। और उस इच्छा को पूरी करने के कारण, मतलब वो करना चाहते हैं उस इच्छा को पूरा, तो जो यहाँ चेतावनी दी गई है उसको भी, उसको वो अनदेखा कर देती है यहाँ जैसे वर्णन है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, गतव्यथा है ना, आखिरी शब्द है श्लोक में गतव्यथा। तो गतव्यथा क्या शब्द है, अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? बिना किसी भय के। हाँ, तो सती को इसकी परवाह ना थी कि वह अकेले जा रही है, अतः वह निडर थी। लेकिन ये जो निडरता है वो क्या है? मूर्खता वाली निडरता है ना। इस होता है, निडरता भी दो प्रकार की होती है। हाँ, एक होता है मूर्ख की निडरता और एक है जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है उसकी निडरता। तो बुद्धिमान व्यक्ति कैसे निडर होता है? वो कृष्ण का आश्रय लेता है। और एक्चुअली बताए, अगर कोई भी किसी महान व्यक्ति का अगर आश्रय लेगा तो निडर हो जाता है। जैसे अगर इस जगत में भी हम देखें, कोई अगर अगर राजा का सेवक है तो उसको भय होगा किसी प्रकार का, अगर राजा का वो पार्षद है तो उसको किसी से भय नहीं होगा, है ना। हाँ, राजा से भय हो सकता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो कोई भी तलवार चल सकती है है ना, तो राजा से भय हो सकता है, लेकिन किसी और से उसको भय नहीं होगा। तो
मतलब पॉइंट यह है कि अगर कोई किसी के आश्रय में है और वो व्यक्ति बहुत महान है, तो जिसने भी आश्रय लिया है उस महान व्यक्ति का, तो वो एक स्तर पे निडर हो जाता है। तो इसलिए भक्त जो हैं वो वास्तव में निडर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे महान भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। हालांकि वो आश्रय लेने में डर हो सकता है, इसलिए भगवद गीता में भगवान ये आश्वासन भी देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, मेरी शरण में आओ, माम एकम, और शरण मतलब सिर्फ मेरी शरण में। हाँ, और फिर क्या है एक लाइन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मा शुचा क्या है ना, घबराओ मत, डरो मत। तो क्यों भगवान क्यों कह रहे हैं डरो मत, भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ और डरो मत। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भगवान की शरण में जाओगे तो डर आएगा। भगवान को पता है डर आने वाला है, इसलिए भगवान कह रहे हैं डरो मत। क्योंकि भगवान की शरण लेना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं। क्योंकि जैसे ही भगवान की शरण लेना मतलब क्या है, ये सब भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना, सारी जो भौतिक चीज़ें जिनसे हम चिपके बैठे हैं उन सब को छोड़ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं माम एकम, और भगवान बात कर रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो परित्यज्य मतलब यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बस हाँ हम तो भगवान की शरण में हैं, ऐसे कई लोग आते नहीं मंदिर में बोलते हम तो भगवान की शरण में ही हैं, हाँ पूरे ठाकुर जी की शरण में ही हैं हम, ठाकुर जी हमारा हमारी देखभाल कर रहे हैं, है ना, तो हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं। ठीक है, बात सही है एक लेवल पे, लेकिन इसका साक्षात्कार कितना है और सही में आपने कितनी शरण ली है, तो वो निर्धारित होगा ये देखकर कि आपने अपने इंद्र तृप्ति को कितना छोड़ा है। हाँ, तो इसलिए वहाँ कह, और जितनी भी इंद्र तृप्ति है वो धर्म के नाम पे चलती है इस जगत में। ऑफकोर्स कलयुग में तो धर्म और अधर्म का विचार है ही नहीं, सब अधर्म पे ही चल रहा है, लेकिन जिस समय भगवान भगवद्गीता बोल रहे थे 5000 वर्ष पहले अर्जुन को, तो उस समय धर्म एक लेवल पे था, जो सामान्य धर्म है। तो सामान्य धर्म क्या है, हाँ तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो लेकिन ये बताया, ये जो भी धर्म है ना इसकी बात करता है इन 4 चीज़ों की, तो वो क्या है, चीटिंग रिलीजन, कैतव धर्म है, है ना, वो वास्तविक धर्म नहीं है। क्योंकि क्या है, वही धर्म अर्थ काम, अल्टीमेटली वही जो इंद्र तृप्ति है उसके लिए धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। तो वैसे धर्म का त्याग करने भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक उस प्रकार से धर्म से आसक्ति रहेगी तब तक भगवान की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भगवान बोले ना माम एकम शरणम, तो माम एकम, तो वही बात है ना, जब व्यक्ति जब अपनी इंद्र तृप्ति छोड़ने की बात आती है तो घबरा जाता है। ये इसलिए हम लोग इवन यूथ प्रीचिंग में भी इसका ध्यान रखते हैं। नहीं हम लोग क्या मतलब, जो यूथ प्रीचर्स हैं जिन्होंने शुरू किया, तो लोग इसी का ध्यान रखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में हैं सब, तो सैफ्रॉन वाले उनके सामने नहीं जाते हैं। तो कारण क्या है, क्योंकि जो अभी बच्चे हैं और इतनी सारी एस्पिरेशंस, इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं लेके आए हैं, है ना, और उनके सामने अगर किसी सैफ्रॉन को अगर बिठा दिया तो वैराग्य की बात करेगा, और इवन इनफैक्ट मतलब सैफ्रॉन देख के वैराग्य का प्रतीक है, राइट। तो जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, तो वो जब भगवा वस्त्र धारण किए किसी साधु को देखेगा तो उसको भय आता है, है ना। इसलिए आप देखो, और
चलो ठीक है, हो सकता है देख के भय ना आए लेकिन सुनने में तो बिल्कुल भय आता है, तो इसलिए वो उसे सुनना नहीं चाहते। वो उनकी सेवा कर लेंगे, उनको बिठाएंगे, पानी पिला देंगे, सब करेंगे, लेकिन उनसे उपदेश नहीं लेंगे। तो कारण क्या है? क्योंकि उपदेश वो तो फिर काटेंगे इंद्रतृप्ति को और जो आसक्ति है उसको। और ये जो डर है, भय है, इसलिए आप देखो तो लोग इसलिए इवन जो धार्मिक होते हैं है ना, और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो जो शास्त्रों के जो भाग हैं जिसमें वैराग्य के विषय में बताया है, जिसमें अनासक्ति के विषय में बताया है, इसमें बताया आसक्ति को काटना है ना, उन चीज़ों को वो छोड़ देते हैं, वो पढ़ना उनको पसंद नहीं है। और अगर उनको ये बताएंगे तो कहेंगे अरे तुम इस पे क्यों फोकस कर रहे हो, शास्त्रों में और भी चीज़ें बताई हैं। जैसे हम बहुत बार देखते हैं जब कोई युवक अगर ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना चाहता है ना, आश्रम ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके घर वाले आके उसको बोलेंगे अरे घर पे भी तो रह के भक्ति हो सकती है, हैं भगवान कृष्ण की ने विवाह किया तो तुम कृष्ण के भक्त हो और तुम कैसे विवाह नहीं करोगे, हैं तो घर पे रह के तो भक्ति हो सकती है, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से और फिर बोलेंगे क्यों वैराग्य पे इतना क्यों, भाई जो है गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, हैं घर पर रह के इतनी भक्ति हो सकती है, इतनी सेवा हो सकती है, हैं और तुम ब्रह्मचारी बन रहे हो तो अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, हैं। तो इस प्रकार से जो धर्म की आड़ में जो इंद्र तृप्ति है उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते, और जैसे छोड़ने की बात आती तो भय होता है, उसको पढ़ना सुनना भी नहीं चाहते, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए अधिकतर लोग क्या है, भगवद्गीता बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कर्म करो कर्म करो, हैं कर्म करो और बस कर्म करते जाओ, हैं कर्म करो और नरक जाओ। तो वास्तव में कर्म के नाम पे क्या है, विकर्म कर रहे हैं, और विकर्म को जो है कर्म का नाम दे रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि फल की इच्छा मत करो, अच्छा तो फल आएगा तो करोगे क्या उसका, हैं कौन भोगेगा उसको, तो पूरा जो मानसिकता है वो तो फल भोगने की है। और फिर बोलेंगे कि हाँ फल की इच्छा मत करो, कार्य करते रहो, तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल फिलॉसफी है उनकी तो। हाँ तो गीता भगवान ही नहीं बोल रहे कि फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा करो लेकिन खुद के लिए मत करो, है ना, कृष्ण के लिए, ये कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ छोड़ने की बात आ गई ना। हाँ तो इसलिए डर तो आएगा जैसे ही, और इनफैक्ट हम देखते हैं कोई भी अगर पहली बार अगर किसी प्रामाणिक साधु का कड़क प्रवचन अगर अटेंड करता है तो उसका थोड़ा हृदय हिल जाता है, नहीं हिल तो जाता ही है कि नहीं, सबको अनुभव होगा अगर अटेंड किया है तो। आजकल तो खैर आजकल बहुत कम हो गया है आजकल सब बढ़िया, जो लोगों को पसंद है लोग सुनना चाहते हैं, है ना, लोग तो इंद्र तृप्ति के बारे में ही सुनना चाहते हैं, तो वही समझाओ वही सुनाओ, तो इसलिए वो अनुभव कर नहीं पाते कि वास्तव में जब हमारी इंद्र तृप्ति हमारी आसक्ति को काटने की बात आती है तो कैसा लगता है। एक्चुअली लोगों को दर्द होता है बहुत है ना, रियली अगर सही में आपने हिट कर दिया ना उसके जो आसक्ति है उस पर, तो बस फिर तो आप देख लो फिर। अभी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ एक दो तीन दिन पहले, तो एक प्रवचन में मैंने कह दिया था कि जो भी कृष्ण की उपासना नहीं कर रहा है तो वो धूर्त है, जो कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है, मतलब यहाँ जो भगवान बता रहे हैं ना माम एकम शरणम, तो जो भी कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है वो एक नंबर का धूर्त है, ठीक है। तो एक आ गया फिर तो ऐसा कैसे कहा आपने, हैं तो हम ठीक है हम कृष्ण की उपासना भी करते हैं लेकिन साथ में हम शिव जी की भी करते हैं, हमारे दादा हमारे पिता हमारे परदादा सब शिव जी की उपासना करता है तो हम सब धूर्त हैं, हैं तो उसको हिट हो गई बात, तो जो फैक्ट है तो ही ना। तो भगवान जो कह रहे हैं कि तुम इंद्र तृप्ति के लिए जो भी कर रहे हो सब वो सब छोड़कर आओगे तो मेरी शरण में आ पाओगे,
तो जैसे ही बताएंगे तो लोग वो हो जाएंगे, बिल्कुल उद्विग्न हो जाते हैं। तो डर, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं माँ शुचा, डरो मत, अगर वो छोड़ के आओगे तो तुम कभी कुछ खो नहीं रहे हो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम सबको एक, क्योंकि भौतिक चेतना में है ना, हम शरीर से ऐसे ही पहचान करते हैं, तुरंत भय आ जाता है। शारीरिक चेतना का मतलब आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना, ये चारों चीज़ें फिर एक तरह से आवश्यकता बन जाती है। ऐसे ही आत्मा अपने आप को शरीर से पहचान करने लगती है कि मैं शरीर हूँ, तो ये तुरंत उस पर ये चार चीज़ें हावी हो जाती हैं, उसको ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन एक आवश्यकता बन जाती है। तो इसलिए बताया है, तो जो भी भौतिक चेतना में है तो वो निडर हो नहीं सकता, और अगर वो निडर है तो कौन सा वाला निडरता है, वो मूर्खता वाली, ठीक है। जैसे यहाँ पर सती यहाँ पर प्रदर्शित कर रही हैं, यहाँ वो निडर है लेकिन ये कौन सी निडरता है, मूर्खता वाली, क्योंकि वो शिवजी जो कह रहे हैं उसका उसकी अवहेलना कर रही हैं। और एक लेवल का ये निडरता क्यों है उनमें, क्योंकि शिवजी के आश्रम में है। जैसे होता है एक कोई महान अगर व्यक्ति है तो उसके आश्रम में है तो निडरता आ जाती है, और शिवजी वैष्णवाना में था शंभु, सबसे महान वैष्णव है, तो इसलिए उनके शरण में जो भी है तो वो भी निडर हो जाता है। लेकिन अगर शरण का मतलब है, इसलिए बताया एक और चीज़ शरणागति में, ऐसा नहीं है कि मैंने शरण ले ली और फिर हो गया। शरणागति हर समय कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे शिष्य ने गुरु से दीक्षा ली, ठीक है, दीक्षा तो क्या है, एक समय का मतलब महोत्सव है ना, अग्नि के सामने और वैष्णव के सामने प्रण लिया हमने, दीक्षा समारोह हो गया, दीक्षा हो गई, गुरु ने माला दे दी और हम माला पे जप करना भी प्रारंभ कर दिए। लेकिन तो हम बोलेंगे हाँ हम शरणागत हो गए, दीक्षा हो गई, तो क्या वो एक दिन में हो गया? हाँ, एक्चुअली वहाँ से शुरुआत है आपके वास्तविक शरणागति कि हर दिन अब उस प्रण को निभाना है जो आपने गुरु से किया है। तो चार पाप कार्यों से बचना और नियमित रूप से कम 16 माला जप करना, तो अब ये क्या है, हर दिन करना होगा। और किसी दिन आपने अगर छोड़ दिया तो क्या हो गया, तो इसका मतलब शरणागति नहीं है, इसका मतलब आपका फिर वो जो कनेक्शन है। तो गुरु अवज्ञा, तो 10 नाम अपराध में एक अपराध है नहीं, गुरु अवज्ञा, तो अगर गुरु अवज्ञा आपने कर दी फिर क्या होगा, फिर हमारा हमें हम जिस भी स्तर तक आए थे तो वहाँ से हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए बताया शरणागति ऐसा नहीं बस शरण ले ली हो गया, शरण ली अब उसको लेते रहना है। और जिस समय हमने उसको लाइटली ले लिया तो वहाँ से हमारा पतन हो जाएगा। जैसे यहाँ सती की स्थिति है, तो सती शिवजी के शरण में थी तो निडर थी, और निडरता का क्या उन्होंने गलत उपयोग कर दिया। हाँ, उन्हीं के आदेश की, उन्हीं के जो चेतावनी थी, सुझाव था, उसको उन्होंने नहीं माना, और इस तरह से जो ये निडरता है वो अंतोगत्वा मूर्खता में परिवर्तित हो गई। तो इसलिए बताया है भगवान की शरण में आके भी हम भी स्तर पे आ सकते हैं, निडर हो गए, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर हमने भगवान के आदेश की अवहेलना करी तो हमारी वो निडरता क्या हो जाएगी, हमसे मूर्खता करवा देगी। और ऐसे कितने सारे उदाहरण इतिहास में हम देखते ही हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, भगवान की सेवा करके बहुत समय आंदोलन में रह के, हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस आता है कि उसे लगता है अब तो माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। या ऐसे कहीं वरिष्ठ वैष्णव हुए इतिहास में,
हमारे आंदोलन में ही तो जो उस बहुत ऊंचे स्तर पे आ गए और ऐसे ऊंचे स्तर पे आके वही भगवान की पूरी शरणागति लेके इतना मतलब सारे सद्गुण ये सब आ गए, तो सद्गुण में एक ये भी है अभयम सत्व समशुद्धि। तो देवीय गुण में सबसे पहला गुण बताया अभय, और विशेषकर सन्यासी के लिए बताया, सन्यासी मतलब सबसे पहला गुण होना चाहिए अभय, क्योंकि अगर उसमें अगर नहीं है ये गुण तो वो अकेले भ्रमण नहीं कर पाएगा पूरे विश्व में। ऐसे हम देखते हैं, अगर किसी को अगर हम बोलें कि आप अकेले जाओ पुस्तक वितरण के लिए या प्रचार के लिए या कलेक्शन के लिए, किसी को अगर अपन ब्रह्मचारी को ही बोल दें अकेले जाओ तो क्या बोलेगा वो, रोजी को तो एक तो साथ में भेजो अकेले क्यों, क्योंकि अकेले आते तो क्या है डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाए है। इसलिए आप देखो, इसलिए वो भी है ना, इसलिए अधिकतर लोगों के लिए बहुत कठिन है, इसलिए क्या है पूरे जीवन भर अकेले रह पाना, तो इसलिए पार्टनर चाहिए, इसलिए फिर लाइफ पार्टनर है ना, अकेले बहुत कठिन है। जो दो हैं साथ, दो हैं तो थोड़ा एक रहता है, हाँ चलो भाई कोई है अकेले, तो इसलिए बताया जो सन्यासी है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कभी भी अकेला नहीं है, है ना, भगवान हमेशा साथ में है, परमात्मा, तो उसको साक्षात्कार अगर है तभी वो सन्यास लेने का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकता है। तो जगह जगह भ्रमण करके प्रचार करना, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो अब अगर कोई नई जगह जा रहा है तो वहाँ तो सब नए लोग हैं, कोई जानता नहीं है, है ना, और परिस्थिति कैसी है ना, रहे ऐसे। अब देखो अगर अब ऐसे हम यात्रा में जाते हैं ठीक है, तो अभी अगर बोलें कि चलो बस, तो सबसे पहले ये प्रश्न आएगा प्रभु जी वहाँ रहने की व्यवस्था, वहाँ खाने की व्यवस्था कैसी है ना, अगर ठीक है तो हम चलेंगे, और अगर नहीं है, बहुत बार ही होता है यात्रा में गए और वहाँ थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो फिर बोलते हैं अब तो नहीं आएंगे हम यात्रा में, है ना, रहने का और खाने का तो ठीक नहीं था व्यवस्था। तो अब देखो जो सन्यासी है वो तो क्या है, वो ऐसे ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं करते, वो जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि क्या कुछ प्लानिंग करके जा रहे हैं क्या, वो तो भ्रमण कर रहे हैं पूरे, है प्रभुपाद लिखते हैं स्पेस मैन, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी वो जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से तो क्यों नारद मुनि ये चीज़ कहते हैं, वो कैसे आए उस स्तर पर, तो बताते हैं जब वो दासी पुत्र थे और उनकी माँ का देहांत हो गया और उस समय वो बालक ही थे वो, तो और कोई नहीं अभी अनाथ एक तरह से, और उस स्थिति में वो फिर पूरे विचरण करते हैं वन में और जगह जगह आके फिर अपना अनुभव बताते हैं उनको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या साक्षात्कार हुआ, और फिर लास्ट में वो बस भगवान की वाणी सुनते हैं उस, और क्या सुनते हैं, कहते हैं इस जीवन में तुम मुझे देख नहीं पाओगे लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको कर लो तो अगले तो तुम रेडी हो जाओगे, फिर अगले जीवन में तुम्हें देख पाओगे बस लेकिन उसमें वो भगवान की आवाज़ से सुन पाते हैं, और फिर वो कहते हैं जैसे बिजली कड़कती है ना, उस प्रकार से अनुभव हुआ, उन्होंने शरीर त्याग दिया, वो बिजली कड़कने से अनुभव था, वो एकदम से शरीर त्याग दिया, और फिर उनका नेक्स्ट फिर जन्म था नारद मुनि के रूप में, ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने उनको जो भक्ति जो वेदों का सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, एसेंस है, सार है, वो उनको प्रदान किया और उससे वो नारद मुनि बन गए। हाँ तो हम देखते हैं जिसको साक्षात्कार है परमात्मा हमेशा साथ में है तो वही हर जगह ऐसे निडर होके विचरण कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा उसको कुछ ना कुछ भय रहेगा और वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा, सिक्योरिटी। ऐसे आजकल लोग बोलेंगे नहीं कि भय तो नहीं है, आजकल भय किस नाम पे चलता है, इनसिक्योरिटी है ना, तो इनसिक्योरिटी है तो उसके लिए फिर लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि ये हम कर लें, ये हम कर लें, ये हम कर लें, तो क्या है थोड़ा बचे रहेंगे। लेकिन
आप बताएं, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितने भी सिस्टम बना लो, अगर भगवान रक्षा नहीं करेंगे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। वो इनसिक्योर ही है हमेशा। लेकिन माया थोड़ा ऐसा कर सकती है, कुछ समय के लिए ऐसा अनुभव करा सकती है कि हम तो बहुत बलशाली हैं, है ना, तो निडर हैं। ऐसे कोई बोल सकता है नहीं, ऐसा अगर हम जैसे हम बोलते हैं कि भौतिक स्तर पे तो निडर हो नहीं सकता, तो बोल सकते हैं नहीं, तो हम देखते हैं जो फौजी हैं, सिपाही हैं, है ना, जो युद्ध कर रहे हैं, वो तो निडर हैं। हाँ, क्या लगता है, वो निडर हैं? एक लेवल पे तो है ही है कि नहीं है? तो फिर ये कहना कि जो है भौतिक स्तर पे जो है, जो शरीर से पहचान कर रहा है, हाँ, तो वो निडर नहीं हो सकता, उसमें भय होगा। तो जैसे आप ही बोलोगे तो ये उदाहरण ले आएंगे लोग और बोलेंगे नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम तो, हमें कोई डर नहीं लगता है। तो इसलिए समझने वाली बात है, वो जो जो एक सिपाही की निडरता है वो क्या है, वो उसने ट्रेनिंग से प्राप्त कर ली है, प्रशिक्षण से, और एक एक लेवल की वो निडरता है। लेकिन आप देखो, एक्चुअली बताया एक इतिहास है, इतिहास में एक कथन आता है, ऑफकोर्स भारत के इतिहास में नहीं, तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ये यूरोप और जो मुस्लिम जो कंट्री ना, अरे अरब नेशन और यूरोपियन नेशन जो है, तो उसकी एक इतिहास है। यूरोप में एक स्पार्टन करके एक लोग हुआ करते थे, है ना, और उस समय अरब का एक राजा था, तो अरब का राजा था, उसके कितने 10 लाख सिपाही थे, और उसने 10 लाख सिपाही उसे आक्रमण कर दिया इन स्पार्टन्स पे, और ये स्पार्टन कितने थे, 300, बस 300 लोग थे ये, और उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं हम लड़ लेंगे। मतलब ये लोग बिल्कुल बहुत ट्रेंड थे, क्षत्रिय थे सही में, और डरते नहीं थे किसी से भी लड़ने में, और 300 लोग थे ये, है ना, तो 300 लोग थे और वो लड़ लिए, भिड़ लिए 10 लाख लोगों से, तो इसके लिए तो बहुत निडरता चाहिए नहीं, और बहुत तक उन्होंने ख़त्म भी कर दिया, जो अरब की जो सेना थी उसको बहुत हद तक उन्होंने मार भी दिया, लेकिन क्योंकि 300 थे अब जीत तो सकते थे नहीं, तो इसलिए लास्ट में वो सब 300 इतने भी थे सब मारे गए, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने रोक दिया उनको। तो जो राजा था इन 300 लोगों का, जो स्पार्टन थे इनका राजा जो था, तो वो जब मर रहा था आखिरी समय, तो क्या सोचता है वो, तो ये सोच रहा होता है कि मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। है ना, अभी मर रहा हूँ, अब उनका क्या होगा अभी। तो इतना निडर था, लेकिन वो क्या था, वो भौतिक स्तर पे था, तो अल्टीमेटली मरते समय क्या उसको स्मरण आ रहा है कि मेरे लोगों का क्या होगा। तो इसलिए बताया है, वो जब तक आसक्ति है भौतिक चीज़ों से, इस शरीर से, शरीर के विस्तारों से, तब तक निर्भयता नहीं हो सकती। वास्तविक निर्भयता आती है अगर वैराग्य है तो, चीज़ों से अनासक्त है, तो इसलिए होता है संन्यास। इसलिए संन्यास जो संन्यास के स्तर पे है, या संन्यास अगर लेना किसको चाहिए, जिसमें ये गुण है अभय का, है ना, और अभय कैसे, वो चीज़ों से अनासक्त है, वो किसी भी, इसलिए वो, इसलिए बताए सन्यासी के लिए ये है कि, है ना, वो एक जगह ज़्यादा समय नहीं रुक सकता, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। वो इसने दक्ष प्रजापति ने क्या शाप दिया था नारद मुनि को, कि किसी भी जगह आप कितने दिन नहीं रुक सकते, हैं, एक दिन, थोड़ा देखना पड़ेगा कि शाप में एग्जैक्टली क्या था, तो एनीवेज जो भी था, तो कुछ टाइम पीरियड दिया था नहीं, कि एक दिन से ज़्यादा या 3 दिन से ज़्यादा, 3 दिन था ना, हाँ, तो 3 दिन से ज़्यादा तुम कहीं रुक नहीं सकते। तो नारद मुनि ने क्या कहा, अरे ये तो मैं ऑलरेडी नहीं रुकता मैं, और मेरे लिए तो वरदान ही है, अच्छा किया तुमने, है ना, रुक के करेंगे भी क्या हम, क्योंकि कहीं पर भी आप रुकोगे, एक स्थान में अगर रुक गए जा समय, तो खतरा है, क्या खतरा है पता है, आसक्त हो जाओगे। है ना, इसलिए बताया साधु, ओ कहावत है नहीं,
नदी बहती अच्छी और साधु चलता अच्छा। तो साधु जो भ्रमण करते हुए जा रहे हैं तो उसकी कोई संभावना नहीं है कि उस चीज़ों से आसक्त होगा। हालांकि उसमें भी आसक्त हो सकता है, हाँ उसमें भी आसक्त हो सकता है, संभावना कम है लेकिन फिर भी संभावना है। तो कौन थे अपने हमारे अभी महाराज आए थे ना रूप रघुनाथ महाराज, तो वो ये कहानी बता रहे थे ना कि वो एक नागा बाबा था और उसके साथ में कि उसका एक कमंडलू था, बस उसके पास कुछ भी नहीं था, बस कमंडलू था बस। और जाता है एक जगह तो एक बहुत ही धनी व्यक्ति होता है, वो उससे बहुत बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाता है कि क्या है इसके पास कुछ भी नहीं है और बिल्कुल बढ़िया बिंदास घूम रहे हैं, तो वो जाते हैं और मुझे आपका चेला बना लो। तो साधु क्या कहता है, चलो ठीक है चेला बनना है तो चलो पहले जूते उतारो। और फिर धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उतरवा देता है वो, चलते आते हैं तो उसको भी अपने ऐसा ही नागा बाबा मतलब क्या है, वो निर्वस्त्र रहते हैं। तो इसके भी वो धीरे धीरे करके सारे वस्त्र उतरवा देता है, तो ये भी ऐसे ही उसके जैसे ही हो जाता है। फिर और गांव जाते आते आते फिर कहीं बहुत दूर जाके ना ये नागा बाबा को ध्यान आता है, अरे चलो तुम्हारे गांव वापस चलना पड़ेगा। तो पूछते हैं क्यों क्या हो गया, मतलब मेरा कमंडलू उधर ही रह गया। तो फिर उसको बताता है, देखो ये जो है इतना अनासक्त है कि निर्वस्त्र होकर घूम रहा है लेकिन फिर भी अपने कमंडलू से आसक्त है। तो बड़ा ही, तो फिर वो उसका इंस्पिरेशन चला जाता है, फिर बोलता है ओके बस हो गया मेरी चेलागिरी ख़त्म, अब मैं अपने अपने व्यापार में बिजनेस में अपने गृह जीवन में फिर से जाता हूँ। क्योंकि जो उसको इंस्पिरेशन मिल रहा था वो देखा कि ये तो है ही नहीं, उसको लगा था तो ये तो परफेक्ट अनासक्त पर्सनैलिटी है, मतलब इसमें कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन उसको फिर बाद में पता चला कि इसकी कमंडलू से आसक्ति है। तो इसलिए बताया बहुत ही कठिन है अनासक्त होना, इतना सरल नहीं है। इनफैक्ट बताया है अनासक्त आप हो भी नहीं सकते, जीव के लिए संभव ही नहीं है। मान लो आप पूरी तरह से अनासक्त हो गए है ना, सब चीज़ से किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है ना, कुछ भी हो जाए आपको तो फिर क्या है, वो पत्थर जैसी स्थिति हो गई वो तो। मतलब एक जीवित व्यक्ति में और फिर मृत व्यक्ति में क्या अंतर है फिर है? आप बोलोगे मृत व्यक्ति भी अनासक्ति है। कुछ नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा वो, हाँ। तो इसलिए बताया है वो जो, इसलिए बताया ना शुष्क वैराग्य है, ये संभव नहीं है। ये आप प्रयास कर लो एक पॉइंट बैक पता चलेगा कि आसक्त हो फिर भी। तो इसलिए शुष्क वैराग्य की भर्सना हमारे आचार्यगण करते हैं, संभव नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भावना में तो वैराग्य विद्या है, ये अगर कोई अगर सही में समझेगा कृष्ण भावना भावित होगा तो उसमें वैराग्य आ जाएगा। तो वहाँ कौन से वैराग्य की बात करिए, तो वैराग्य यह है कि जो भी कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको वो त्याग देगा और जो भी कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण की सेवा में उपयोग किया जा सकता है, उसको वो स्वीकार करेगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट वैराग्य है, इसको यही भगवान गीता में ही बता रहे हैं, हाँ। क्योंकि अर्जुन बार बार ये अर्जुन को संशय हो रहा है कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। एक तरफ तो भगवान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं है ना, सांख्य योग बता रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ कार्य करने को भी कह रहे हैं, तो अभी करूं तो क्या करूं, हाँ। तो अर्जुन ये पूछ रहे ना, व्यामिश्रेणेव वाक्य न बुद्धि मोयसीव में तदेक निश्चित्य वद येन श्रेयोम आपनुयाम, हाँ। कि आपके वाक्य जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, क्या करें, अल्टीमेटली करना क्या है, हाँ। तो इसलिए एक निश्चित बताइए जो करना है, तो हम लोगों के साथ भी होता है नहीं कभी कि ऐसे क्या होता, हाँ। एक भक्त आके मुझसे पूछा था कि प्रभु जी कैसे माया से कैसे बचें, क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत पतन हो जाता है भक्तों का और बहुत कठिन परिस्थिति है, माया के इतने सारे ट्रिक है, तो उसको मैं समझा रहा था, तो हाँ ये कर लो, ये कर लो, ये भी। तो फिर लास्ट में तक अल्टीमेटली एक चीज़ बताइए क्या करना है। इतनी सारी चीज़ें है तो कन्फ्यूजन हो रहा है,
तो इसलिए एक चीज़ क्या करनी है, एक चीज़ जो करनी है वो है शरणागति। और शरण वो निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो वो अगर होगा तो फिर वास्तव में हमें जो अभय का जो गुण है और बुद्धिमता के साथ वो आ पाएगा, ठीक है। बेवकूफ़ी वाली निरता नहीं करनी है। जैसे बहुत बार प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो ऐसा किए, हाँ, जैसे एक बार एक वर्णन है, एक दो भक्त, उसमें एक तो हंसदूत प्रभु थे और एक और थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वो लोग चले गए थे कहाँ, ये गल्फ कंट्री है ना, हैं सऊदी अरब, हाँ सऊदी अरब में चले गए थे वो लोग प्रचार करने, तब तो मुस्लिम कंट्री में प्रचार करेंगे हम, ठीक है। तो चलो बढ़िया है। तो वो लोग पूरा खुलम खुला प्रचार कर रहे थे और छत पे बैठ के हंसदूत प्रभु लेक्चर दे रहे थे। उस समय लेक्चर देते समय उनके सर से गोली निकली, बंदूक गोली जो है ऐसे सर को छूते हुए निकली। तो समझे अब समय आ गया ऐसे निकलने का। जब प्रभुपाद को जब पता चला कि ये लोग सऊदी अरब चले गए लोग, तो प्रभुपाद को टेंशन हो रही है लोग वहाँ क्यों चले गए। क्योंकि वहाँ तो मार ही देंगे ना, वहाँ क्या है, वहाँ आप जाओगे खुलम खुला, वहाँ तो सर ही काट देंगे वो। तो उधर जाके आप करो तो आप ठीक है निडर हो, लेकिन ये मूर्खता वाली निडरता है कि आप बैल मुझे मार हैं। लेकिन हो जाता है ये, पता है, हम अगर भगवान की शरण में हैं तो भगवान की शरण में लेके रहने के कारण धीरे धीरे वो भगवान के गुण भी आ जाते हैं। नहीं तो इसलिए लगता है अब तो हमारा कौन बिगाड़ सकता है कुछ हैं। तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। इसलिए बताया है जो भी हम करें, जो भी हम करने सोच रहे हैं, वो वरिष्ठ भक्तों के और विशेषकर गुरु के मार्गनिर्देशन में होना चाहिए। नहीं तो फिर हम निडर भी होंगे ना, वो मूर्खता वाली जगह, और फिर डर आ जाएगा फिर इस पॉइंट में। जब गोली जब छू के निकली तब आ गया डर, भैया भी निकला से। तो इसलिए बताया है ये इस तरह की निडरता नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए सती का यहाँ पे ये उदाहरण है, इस प्रकार से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। और भगवान की शरण लेनी चाहिए, उसमें अगर डर लग रहा है तो नहीं डरना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें छोड़नी है उसको छोड़ दो, अगर तो छूटेंगी चीज़ें, वैसे भी छूटने वाली है, कौन सा पकड़ के रखने वाले हम, हाँ कोई भी चीज़ पकड़ के रख सकते हैं अपन, तो वैसे भी नहीं रहने वाली चीज़ें, तो बेटर है कि उसको छोड़ दो कृष्ण के लिए। तो एटलीस्ट कम से कम कोई शाश्वत लाभ हमें मिलेगा उस क्षणिक चीज़ से, जो क्षणिक वस्तु है उसको पकड़ के बैठने से वैसे भी कोई हमें लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि वो छूटी जाएगी और वही चीज़ हमारे दुख का कारण बनेगी। लेकिन अगर उसको स्वतः ही अगर छोड़ दो, अगर भगवान की सेवा में उपयोग हो सकती है तो उपयोग करो, और नहीं उपयोग हो सकती उसको छोड़ दो, तो क्या है, तो वो चीज़ भी हमें भक्ति में आगे बढ़ा रही है, हमें शाश्वत जीवन की ओर ले जा रही है। तो इसलिए बताया है, इसलिए देखिए वैदिक संस्कृति में आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा दिया गया है, हाँ। तो आत्म साक्षात्कार के लिए जियो, मरने के लिए मत जियो, हैं। तो जो लोग आसक्त रहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बार बार मरने के लिए जी रहे हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति क्या सिखाती है कि नहीं, शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए जियो। तो उसके लिए वैराग्य विकसित करना अत्यावश्यक है, क्योंकि जिसमें वैराग्य नहीं ना वो मूर्ख है, समझाया, महामूर्ख। और वैराग्य जो मैं बोल रहा हूँ तो कौन सा वैराग्य, युक्त, एक्चुअली युक्त वैराग्य भी थोड़ा एडवांस स्टेज है, ठीक है। पहला स्टेज है, मतलब युक्त वैराग्य में हो गया चीज़ों को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना, ओके। लेकिन उससे पहले आता है जो कृष्ण की सेवा में उपयोगी नहीं है उसको छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ नहीं पा रहे हो आप तो उसको उपयोग भी नहीं कर पाओगे कृष्ण की सेवा में, उसको अपनी सेवा में लगाओगे। तो इसलिए युक्त वैराग्य से पहले वैराग्य आता है,
और वैराग्य मतलब इंद्र तृप्ति। सर इसलिए आप देखो भक्ति जो करते हैं अगर गंभीरता से कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जो इंद्र तृप्ति है और जो भौतिक चीज़ें हैं उससे अनासक्ति होती जाएगी, स्वाभाविक है। मतलब ये सूचक है कि वो प्रगति कर रहा है आध्यात्मिक जीवन में। और जहाँ पर अभी भी मतलब हमें मान लो कोई है जिसको कीर्तन सुनने में मज़ा आ रहा है, कीर्तन भी सुन रहा है बढ़िया नाच रहा है सब है, और फिर उसके बाद डिस्को डांस में भी जा रहा है उधर भी उसको मज़ा आ रहा है, फिल्मी गाने चल रहे हैं और उसमें भी उसको मज़ा आ रहा है नाचने में, तो उसका क्या अर्थ है? कि दरअसल वो है भोग वृत्ति में ही, तो कीर्तन में भी कीर्तन को भी वो भोग के रूप में ले रहा है। हाँ यार ये म्यूज़िक भी अच्छा है वो म्यूज़िक भी अच्छा है, चलो म्यूज़िक इन्जॉय कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जो म्यूज़िक इन्जॉय कर रहा है तो क्या है, तो वो मतलब वो भक्ति ढंग से कर नहीं रहा है। लेकिन अगर कर रहा है सही में भक्ति तो साथ में सुन भी रहा है ना, और सही से फॉलो कर रहा है प्रोसेस को, तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से उसको कीर्तन अच्छा लगेगा और जो वो जो भौतिक ध्वनि है वो उसको ख़राब लगेगी, ये होगा नेचुरली आएगा, है ना, ये होता ही है। अभी अगर मान लो मतलब मुझे पता नहीं ऐसा ऐसी उम्मीद है यहाँ पे अगर कोई रॉक म्यूज़िक अगर चला दे तो किसी को पसंद नहीं आने वाला इधर है ना, सब बोले क्या है बंद करो इसको, राइट। तो क्यों, लेकिन कभी समय था जब पसंद आता था हैं, तो क्या हो गया अभी उस समय में और इस समय क्या परिवर्तन आ गया? तो ये परिवर्तन आ गया कि हमने प्रोसेस को फॉलो किया तो उससे नेचुरली एक वैराग्य डेवलप हो गया। हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली वैराग्य कोई बड़ी चीज़ नहीं है देखा जाए तो लोगों को लगता है कि ना वैराग्य कोई ओ बड़ी चीज़ है बहुत, लेकिन वास्तव में देखा जाए वो बस एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है, बस और कुछ नहीं है, विद्वान का लक्षण है बस। क्यों? क्योंकि विद्वान समझ जाता है कि किस चीज़ का महत्व है, तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको वो छोड़ देता है, तो जो चीज़ बेकार है उसको क्यों महत्व देना। हाँ जैसे अगर कोई बोले कि मैं जो डस्टबिन है डस्टबिन से अनासक्त हूँ डस्टबिन से मुझे कोई आसक्ति नहीं है, हैं, तो कोई बड़ी बात हो गई? बोलेगा तो मुझे भी नहीं है तो तुझे नहीं है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्यों? क्योंकि दोनों को पता है डस्टबिन जो है कचरा है कचरा डालते हैं उसमें, तो कचरे से आसक्ति वो तो सुअर ही रखेगा है कि नहीं, सुअर ही रखेगा ना वो तो, या जो सुअर के स्तर पे है जिसकी चेतना लेकिन सही में मनुष्य है थोड़ा उन्नत चेतना में है तो वो तो कचरे से दूर ही रहेगा ना, तो कोई बड़ी चीज़ थोड़ी हो गई। तो इसलिए बताया जो वैराग्य है तो जो भक्ति में उन्नत होते हैं साधु प्रामाणिक साधु होते हैं तो उनमें वैराग्य दिखता है, तो क्या है वो जो बेकार की चीज़ें हैं उससे दूर हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो समझ गए बेकार की चीज़ें, बाकी लोग समझे नहीं, बाकी लोग अभी बेकार की चीज़ों को अच्छा समझ रहे हैं और उसको वही मतलब डस्टबिन को डस्टबिन से आ सकते हैं कचरे से आ सकते हैं। तो इसलिए जो एक्चुअली भगवान के वचन सुनता है ध्यान से और समझता है तो उसमें स्वाभाविक उसमें नेचुरली उसमें वैराग्य गुण, उसको भौतिक चीज़ें अच्छी लगेंगी नहीं, और अगर लग रही है इसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रहा है, वो क्लास में सो रहा है और पुस्तक पढ़ते समय भी सो रहा है, और अगर जाग रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या बात चल रही है तो बस, तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भाई कचरा है, भगवान जानते हैं ना कचरा, इसलिए भगवान छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, वो कचरे को छोड़ के आओ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कचरा लेके नहीं आ सकते तुम। बताया ना पवित्रम परमम भगवान, हैं भगवान परम पवित्र, तो उनके पास अगर जाना है तो भाई हमको पवित्र बनना पड़ेगा, हमको भी उनके ऐसा बनना पड़ेगा, सेम क्वालिटी का बनना पड़ेगा, सेम क्वालिटी के हैं हम, आत्मा हैं सेम क्वालिटी की, लेकिन अभी भौतिक गुणों से आवृत हो गई है, तो कचरा कचरे मतलब माया क्या करती है हमें अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार के डस्टबिन दे देती है ना, और उससे हम फिर उसमें पड़े रहते हैं। जैसे ये शरीर है ये क्या है, ये कोई बढ़िया चीज़ है क्या कोई? अगर ध्यान से एनालाइज करो तो ये भी एक डस्टबिन है जिसके अंदर क्या है, हैं मांस मल मूत्र रक्त, तो वो बढ़िया चीज़ है।
अगर ये सब खोल के एक एक बैग में अगर आपको दे दें तो क्या करोगे? बहुत उसको गले लगाओगे, हाँ कितनी बढ़िया चीज़ दे दी, वाह हैं। जैसे आपको दिखेगी तो दूर भागोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये तो कचरा है ये ये नहीं। लेकिन हम उस कचरे के अंदर ही बैठे हुए हैं अभी और सोच रहे हैं मैं ये कचरा ही हूँ। तो इसलिए बताया, जब तक ये विचार रहेगा, इसलिए प्रभुपाद क्यों बार बार हैमर कर रहे हैं ना, शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, क्योंकि बताया जब तक तुम सोच रहे हो कि शरीर हो तब तक भगवान दूर रहेंगे आपसे। भगवान क्यों करेंगे, वही सूर के पास कौन आएगा हैं? परमात्मा रूप में रहेंगे लेकिन उस तरह से नहीं है डील करेंगे जैसे भक्त के साथ करते हैं, जैसे भगवान गोपियों के साथ कर रहे हैं, जैसे गायों के साथ डील कर रहे हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ कर रहे हैं, वैसे नहीं डील करने वाले हमारे साथ जब तक हम ये भौतिक चेतना बना के रखेंगे। तो इसलिए इससे हम आ जाए बाहर, तो वो समझदारी है, और अगर उसमें पड़े हुए हैं तो वो फिर मूर्खता है। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ बताई है, अनुचरा है ना, शिवजी के जो अनुचर थे वो जैसे ही देखे कि सती जा रही हैं और शिवजी ने भी, मतलब शिवजी नहीं चाहते हैं कि वो अकेले जाए। एक्चुअली स्वाभाविक है, कोई भी पति नहीं चाहेगा कि पत्नी कहीं अकेले जाए, है ना, एटलीस्ट वैदिक संस्कृति में। आजकल पता नहीं, आजकल थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति है, बहुत कॉम्प्लेक्स जगत है, लेकिन जब वैदिक पूरी संस्कृति है तो उसमें ये समझ है कि स्त्री कहीं भी अकेले नहीं घूमेगी, पति के संरक्षण में या कोई भी एक पुरुष होना चाहिए घर का। तो यहाँ जब इन्होंने देखा कि सती अकेले ही जा रही है तो अनुचर जो हैं वो समझ गए कि नहीं, शिवजी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अकेले जाए, तो तुरंत वो सब उनके साथ हो जाते हैं, पूरी व्यवस्था कर देते हैं। जैसे यहाँ बताया नंदी जो है, नंदी तैयार हो जाता है ना, और सारे जो अनुचर हैं, जो छाता है, छाता पंखा सब लेके, और सती के जो भी फेवरेट चीज़ें हैं वो सब लेके आ जाते हैं, उनका तोता, उनका आईना है ना, सब लेके आ जाते हैं, उनको देते हैं, उनको बैठाते हैं है ना, और फिर लेके जाते हैं। तो शिवजी कहते नहीं है ये सब, है ना, लेकिन उनको बिना कहे भी वो लोग ये कर देते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है अनुचर। अनुचर मतलब जो स्वामी के हृदय को समझे, है ना, कि वो क्या चाहते हैं, आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये बताइए, उच्च स्तर का सेवक है ना, और जो मध्यम स्तर का है उसको आदेश देना पड़ता है तो वो उतना कर देता है, और निचले निम्न स्तर का वो तो सेवक है ही नहीं, वो करता ही नहीं है कुछ बैठा रहता है। हाँ, तो ये लोग उच्च, इसलिए अनुचरा शब्द यहाँ उपयोग किया है, अनुचर। हाँ, तो अनुचर का अर्थ है वह जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ लेते हैं। बताया तुरंत समझ लेते हैं, और ये कठिन है, ये आसान नहीं है। वो बताया आप बाकी सब कुछ बन सकते हो इस जगत में, लेकिन सही में अनुचर बनना जो है वो कठिन है, क्योंकि उसके लिए तो स्वामी से, मतलब स्वामी का हृदय समझना, उसके लिए तो बहुत प्रगाढ़ आसक्ति होनी चाहिए स्वामी से। तो मैं बता रहा था, तो इसलिए अनासक्त होना संभव नहीं है जीव के लिए, कहीं ना कहीं आसक्ति होनी चाहिए। तो जब कृष्ण से आसक्ति होती है तो स्वाभाविक रूप से भौतिक चीज़ों से अनासक्ति हो जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे तो ये शिवजी के अनुचरों का यहाँ वर्णन है। तो उस प्रकार से हम लोगों को भगवान का अनुचर बनना है, और एक्चुअली भगवान का अनुचर बनना तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान के अनुचरों के अनुचर बन जाए हम, है ना, भगवान के सेवकों के सेवक बन जाएँ। तो ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है शिष्य की, शिष्य अगर गुरु के हृदय को समझ सके। हालांकि कलयुग में बहुत कठिन है, क्योंकि कलयुग में हम लोग कैसे हैं मंद, है ना, चार लक्षण क्या बताएं कलयुग के लोगों के, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता है। तो एक तो मंद बुद्धि है, ऊपर से डिस्टर्ब्ड हैं बहुत, आयु कम है, बहुत सारे, मतलब एक तरह देखा जाए तो हमारी स्थिति कैसी है, मन से हमेशा परेशान रहता है मन हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है। इवन भक्ति में आने के बाद भी, भक्ति में आते हैं तो कुछ समय तक थोड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन जब ये जब शरणागति की बात आती है और जो भगवान बता रहे हैं कि डरो मत, लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद भी कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें डरा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर जैसे प्रचार करना आसान नहीं है, आप प्रचार करोगे तो नास्तिकों से मिलना पड़ेगा, है ना, नास्तिक जो है वो चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे। जैसे उसने कल वो शिव वाला आ गया था, है ना, बता था ना मैं कि हमारे दादा परदादा सब शिव जी, तो हमको ढूंढते क्या, तो वो तो आप लोग आप ऐसा कैसे कह सकते हो आसन में बैठ के, है ना। तो अभी जो है शिव जी क्या था, शिव जी के जो कोई वो दल का नाम बोला था, वो दल वाले सब आ जाएंगे यहाँ पे, हाँ शिवसेना, और पता नहीं शिवसेना नहीं कोई और बोला था, वो कोई और नाम लिया था उसने, तो वो सब आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है बुला लो बुला लो देख लेंगे लेकिन उस तरह से बोला था, वो आ जाएंगे और मारेंगे आपको इस तरह से, इस आशय से हैं। तो अभी ठीक है, अभी उधर तो रियली में नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी रियली भी हो सकता है हैं, क्या आपने सही पे बोला सुअर तो जो कृष्ण की शरण ले रहा हो सुअर है ना, कुत्ता है, ऊंट है, हैं, गधा है, आप ही बोल रहे हो और सुन लिया सामने वाले ने तो मेरे को बोल रहे हो तुम, तो बस हो सकती है हाथापाई हो सकती है कितनी बार हुआ, हमारे जो भक्त जो विदेश में पुस्तक वितरण कर रहे हैं, एक वर्णन है, गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं कि एयरपोर्ट पे पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो क्या हुआ, तो एक व्यक्ति आया और कुछ नहीं है ना, बस मारना चालू, उसने भक्त को पकड़ा और मारना चालू कर दिया उसने, ठीक है, और ये भक्त इसने मार खाई खा के अब इसका जब मन भर गया तो चला गया, और ये भक्त जो है ये उठ के फिर से पुस्तक वितरण करने लग गया और लोगों ने देखा ना तो उनको इंस्पिरेशन आया, ये गजब व्यक्ति है, इतना पिटने के बाद भी इसने उसको कुछ नहीं कहा जिसने पीटा, और अपना काम इसने फिर से चालू कर दिया है। तो इसलिए प्रचार आसान नहीं है, आप सोचो प्रचार करूँ और सब जो हैं सब बहुत वाहवाह करेंगे, हाँ प्रभु जी वाहवाह कितना बढ़िया प्रवचन दिया आपने, है ना, तो ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा हो। इनफैक्ट वास्तव में जो एक्चुअल जो प्रवचन होगा तो उसमें तो यही आएगा, कोई ना कोई खड़ा होकर बोले ऐसा कह कह कैसे दिया तूने है ना, और वो आसान नहीं है उसको फेस करना, तो इसलिए भगवान कह रहे डरो मत भगवान क्यों कह रहे हैं कि है ना, जो मेरे संदेश का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है तो क्यों, क्योंकि जब रियल में जब प्रचार करोगे तो वाहवाही ही नहीं मिलने वाली है ना, तब तो सुनने को मिलेगा तूने सब क्या कैसे दिया, अभी तुझे दिखाते हैं है, कौन सुअर है अभी दिखाते हैं तुझे तो इसलिए प्रचार आसान नहीं है। अभी क्या है, पर हम क्या है? इंडिया में ना, भारत में, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता हमें क्योंकि एक्चुअली जो लोग जुड़ रहे हैं ना ये लोग ऑलरेडी भक्त हैं, जैसे पुण्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए हैं, है ना, भगवद गीता का सुना है थोड़ा बहुत, कृष्ण को जानते हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम बता रहे हैं, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो भारत में थोड़ा आसान है, लेकिन बाकी जगहों पर स्थिति नहीं है। इवन और कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो भारत में भी मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए हमारे भक्त लोग फिर क्या है, ब्रिज प्रीचिंग की टेक्निक अपनाते हैं, है ना, कि हम यथारूप, हम स्ट्रांग वचन नहीं कहेंगे, हम बस है ना, यस आप जो अपनी आसक्ति बना के भी रखो और भक्ति भी करते रहो, बढ़िया है, चलता रहेगा है, तो ताकि अपोजिशन नहीं हो क्योंकि बताए वास्तव में प्रचार करेंगे तो अपोजिशन होगा, और अपोजिशन होगा तो उसे भय आएगा, हमें क्या हो रहा है मेरे साथ है, ये तो हो गया प्रचार में, ये तो हो गया प्रचार कर रहे हो और अभक्तों से, भक्तों से आएगा तब तो आपकी बैंड ही बच जाएगी तो फ्यूज उड़ जाएगा, तो अरे अरे है ना, ये तो भक्त साथ में हो गए, पॉलिटिक्स होगी है ना, दो दो भक्त मिलके तीसरे भक्त की बजा देंगे तो ये जो है
ये फिर सोचेगा अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ और मेरे साथ इन्होंने ये कर दिया है, तो तब उसका जो है फ्यूज उड़ जाएगा और फिर देखा बहुत हो गई भक्ति, अब तो अब तो भोग करते हैं, अभी भोग विलास ही अच्छा है। तो इसलिए भगवान बता नहीं, इसलिए घबराओ मत, डरो मत, ये सब होगा लेकिन फोकस रहो कि किस लिए कर रहे हो, मेरे लिए है ना। तो अगर मैं संतुष्ट हूँ, अगर मैं प्रसन्न हूँ तुमसे, तो चाहे से कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, है ना, अगर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तो तुम हर परिस्थिति में प्रसन्न आत्मा है ना, तुम संतुष्ट रहोगे। तो इसलिए मत सोचो ये सब क्या चल रहा है ना, कि लोग क्या कर रहे हैं, भक्त क्या कर रहे हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, और फिर ये हो गया, वो हो गया, इन सब में पड़े रहेंगे तो हम क्या है, हम फिर वही है, घबराते रहेंगे। फोकस रहे मुझे, जैसे मैंने उदाहरण दिया वो भक्त का, वो फोकस था, मैं यहाँ किस लिए, पुस्तक वितरण के लिए तो उसको किसी ने पीटा भी, अभी हम उस तरह होते तो हम तो, अरे तूने पीटा क्यों मुझे, ये बता पहले लेकिन उसको वो भी अवसर नहीं था हा? और एक और एक दूसरा वृत्तांत बताते हैं गुरु महाराज, बताते हैं एक लेक्चर में, ऐसी एक क्या था, तो भक्तगण यूरोप में तो क्या था उस समय, कीर्तन नगर कीर्तन के लिए आते थे, तो नगर कीर्तन के लिए जब जाते थे तो पहले बहुत अपोजिशन होता था पहले, क्योंकि नई नई चीज़ थी ना लोगों के लिए, है ना, तो पुलिस रोक रही है, लोग रोक रहे हैं, हाँ, पुलिस पकड़ के जेल में डाल रही है, हाँ, तो इस प्रकार से चीज़ें हो रही थी। और एक वृत्तांत बताते हैं कि एक जगह क्या था, मेरे ख्याल से लंदन की बात है, लंदन में ये स्थिति थी कि जहाँ से भक्त लोग जाते थे नगर कीर्तन के लिए, तो वहाँ एक पॉइंट पे ना एक गुंडे ऐसा व्यक्ति था, वो रहता था, खड़ा रहता था, वो मतलब गुंडा मवाली ऐसा ही था वो, है ना, तो उसने जब देखा ये जा रहे हैं तो उसकी भी इच्छा हो गई इनको पीटने की हैं, तो उसने भी भक्त को पकड़ के पीटना प्रारंभ कर दिया। वो ऐसे ही ऐसे लोग होते हैं वहाँ, मतलब बिल्कुल सरफिरे, उनके मन में जो आ गया, और तो अभी तो है भी ना, जस्ट डू इट हैं, तो बस मन में आ गया तो करो, तो उसको दिख गया यार ये लोग थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं, है ना, इनको मार सकते हैं कुछ कोई कुछ नहीं कहेगा, तो उसने ऐसे मारना चालू कर दिया भक्तों को वहाँ पे। और ये डेली डेली है ना, डेली भक्त जा रहे हैं और वैसे पकड़ रहा है और पीट रहा है, डेली हो रहा है, डेली हो रहा है। फिर एक पॉइंट पे आके ना उसने सोचा यार ये लोग गजब लोग हैं, मैं रोज़ इनको पीट रहा हूँ और ये कुछ नहीं कर रहे मुझे, है ना, तो क्या हो गया, फिर वो भी भक्त बन गया, वो भी छुट गया फिर कीर्तन में लेकिन कुछ समय लगा कुछ, है ना, एकदम से नहीं हुआ। तो पॉइंट क्या है, डरो मत, है ना, प्रचार करो और डरो मत, और डर अगर आए तो वो डर को फेस करो, एक्चुअली वो बताए, वो दिखाएगा कि आप भक्ति में बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो। एक्चुअली बताए डर किसको होता है, शूद्र, जो शूद्र हैं, है ना, मतलब जो निचले गुणों से प्रभावित हैं, जो थोड़े ऊपरे गुणों में है ना स्थित, तो उनमें विशेषकर ब्राह्मण ने बताया, ब्राह्मण कभी नहीं घबराया किसी भी स्थिति में, वास्तव में जो ब्राह्मण है, और फिर वैष्णव तो और भी उच्च स्थिति है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है वो ठीक है, निडरता वाली स्थिति आ गई उसमें भगवान का आश्रय मत भूलना, भगवान के उपदेश मत भूलना। तो जैसे यहाँ भक्त कर रहे थे कुछ अपने आप से नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा नगर कीर्तन करो जा रहे थे, अब उसमें जो भी कठिनाई आ रही है वो फेस कर रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा पुस्तक वितरण करो तो कर रहे हैं, अब उसमें जो भी कठिनाई आ रही है उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सही निडरता है और वो आएगी, भक्तों में आनी चाहिए, तो हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम डाउन जा रहे हैं। तो इसलिए अनुचरा है ना, अनुचर एक्चुअली थोड़ा कनेक्टेड है, जो वास्तविक अनुचर होगा तो वो निर्भय निर्भयता उसमें आ जाएगी। हाँ ओके, हरे कृष्णा, किसी को कोई जिज्ञासा? हाँ या मतलब टैक्टिक्स बताया है
टैक्टिक्स होनी चाहिए प्रचार में, तो हमारा संदेश चेंज होना चाहिए, मेन चीज़ वो है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा व्यक्ति जो है कितना इसलिए ठीक है, जब आपको दिख रहा है ना ऐसा है तो फिर उसमें फिर वदन्ते निधाय तृणकम पदयोर निपत्य हे साधव सकल एव दूर विहाय है, तुम साधु हो, तुम महान हो, हाँ लेकिन तुमने जो कुछ सीखा है सब बकवास है, तो कृपया उसे छोड़ दो। चैतन्य चंद्र कुरुते अनुरागम, है ना, तो चैतन्य चंद्र का अनुराग करो। तो एक्चुअली बताए जो ऐसे ये वाणी की तपस्या भी है ना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, हाँ तो जो वचन है हमारे कैसे होने चाहिए, सत्य होने चाहिए, हितकर होने चाहिए और दूसरे के मन को उद्विग्न करने वाले नहीं होने चाहिए। अब वहाँ अब तात्पर्य पढ़ो, तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन कभी कभी जब सत्य बताते हैं तो तो क्योंकि सत्य कड़वा होता है, ठीक है, तो इसलिए एक गुरु अपने शिष्यों को सत्य बताने के लिए उद्विग्न करने वाले वचन बोल सकता है। इनफैक्ट गुरु का कार्य शिष्य को डांटना, अगर गुरु लालयन करने लग जाए शिष्य का तो फिर बहवो दोषा, चाणक्य मुनि कहते हैं लालयन बहवो दोषा ताड़यन बहवो गुणा, तो इसलिए गुरु का तो कार्य ताड़यन करना और इसलिए साधु का भी कार्य ताड़यन करना। इसलिए पता है डिपेंड करता है आपका क्या लेवल है आपका जो स्तर है उसके अनुसार आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई इसको कैसे प्रचार करना है, कैसे इसको भक्ति में और गंभीर करना है। तो इसलिए नए व्यक्ति के लिए ठीक है, हम यही बोलेंगे कि भाई तुम गीता पढ़ लो, तुम जो है प्रसाद ले लो, आ जाओ प्रोग्राम में, है ना, और जनरल लेक्चर में बैठो। जनरल लेक्चर में जब बताएंगे तो उसमें वो थोड़ा व्यक्तिगत कम लेने की संभावना कम है, व्यक्तिगत ले, समस्या क्या बात है, व्यक्तिगत ले लेता है जो व्यक्ति, तो आपके लिए एक परीक्षा है, आपके लिए वो है कि कैसे आप संदेश को इस प्रकार से रख सको कि वो व्यक्तिगत रूप से ना ले, एक जनरल उसमें ले और वो समझे कि हमारे हित में बोल रहे हैं। लेकिन ये चैलेंजिंग है, इसलिए बताया ना प्रचार आसान नहीं है, उसमें आपको बहुत बहुत मैच्योरिटी चाहिए इसके लिए। सामने वाला कौन है, क्या है, क्या बैकग्राउंड है, अभी किस लेवल की समझ है उसकी। यूजुअली ये जो है जो स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग जो है वो जो ऑलरेडी थोड़ा भक्ति में है लेकिन डामाडोल स्थिति है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। ऐसे में हमारे जितने ब्रिज प्रीचिंग वाले हैं उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग ही चाहिए, जितने ब्रिज प्रीचिंग से आए हैं क्योंकि वो ब्रिज अभी एंड तक पहुँचे कैसे, तो एंड हमें दिखाना पड़ेगा तो ब्रिज वो पूरा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, तो उनके लिए ज़रूरी ही है। और बाकी जो नया व्यक्ति आ रहा है, यस उसको हम पहले प्रोत्साहन देंगे, प्रोग्राम में आओ, प्रसाद लो, बहुत अच्छे हो आप, कितने पुण्यशाली हो कि आप आ रहे हो मंदिर, है ना, अब आपकी महानता को और बढ़ाइए, तो ऐसे करके कर सकते हैं। बट किसी ना किसी पॉइंट पे तो आपको सत्य सही तरीके से बताना होगा, मैसेज चेंज होना चाहिए, मेन चीज़ ये है, मैसेज चेंज होना चाहिए, समझ रहे हो। और बाकी आप और डिटेल चाहते हो तो पुस्तक पढ़ सकते हो, प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार है ना, उसमें महाराज ने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, टैक्टिक्स, तो टैक्टिक्स कितनी लगानी है, उसकी क्या लिमिट है, ठीक है, टैक्टिक्स है चाहिए वो जरूरी है, स्ट्रैटेजी नहीं, नहीं पुस्तक वितरण करते समय हमारा फोकस होना चाहिए पुस्तक जाए, उस समय मतलब डिपेंड करता है भक्त के ऊपर, ठीक है, उस समय बहुत अभी से वैशिष्य का प्रभु हैं तो वो ज़्यादा कुछ वो सामने वाले को फील गुड कराते हैं ना, और ये पुस्तक लोगे तो आप और बेहतर हो जाओगे, यू आर ऑलरेडी जेंटलमैन जेंटल लेडी, सो यू जस्ट टेक दिस बुक एंड यू बिकम यू नो जेंटल जेंटल जेंटलमैन तो उनको हंस के और बहुत एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके और फिर वो पुस्तक देते हैं तो लोग ले लेते हैं। तो पुस्तक वितरण में तो फोकस होना चाहिए हमारा पुस्तक जाए अधिक से अधिक, ठीक है, वहाँ अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करने बैठ गए तो
लेट प्रभुपाद डू प्रीचिंग, प्रभुपाद करेंगे स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग, वहाँ प्रभुपाद की पुस्तक जाएगी ना तो पढ़ेगा वहाँ हो जाएगी। पुस्तक वितरण के समय हमारा फोकस पुस्तक देने में होना चाहिए, ना कि उस समय उसको हाँ अभी मिल गया, अभी मिल गया बकरा, बहुत दिनों इसको मिल रहा था सुनाने के लिए, ये मिल गया है अब इसको सुना के ही छोड़ेंगे अभी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।